अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटामिन डी रोल इन चिल्ड्रन। पूरी दुनिया में 1/4 पीडियाटिक पॉपुलेशन वाइटामिन डी डेफिशिएंट है, जिसमें से 77% बच्चे पाकिस्तान में वाइटामिन डी डेफिशिएंट हैं। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ वाइटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। बच्चों में वाइटामिन डी डेफिशिएंसी की सबसे बड़ी वजूहत कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, एपिलेप्टिक चिल्ड्रन, वो बच्चे जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस लेते हैं उन बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड, क्रॉनिक डिजीज़ लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें फैट की एब्जॉर्प्शन मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाती। थर्ड, इनसफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर। फोर्थ, ड्यू टू लो वाइटामिन डी इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ वाइटामिन डी इन चिल्ड्रन। बच्चों में वाइटामिन डी का क्या रोल है? फर्स्ट, कैल्शियम और फॉस्फोरस को बढ़ाता है। सेकंड, जिंक लेवल को मेंटेन करता है। थर्ड, बॉडी में फैट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। फोर्थ, बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फिफ्थ, कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, डीएनए रिपेयरमेंट एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद देता है। नाउ व्हाट आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड हाउ विटामिन डी कंट्रोल इट। फर्स्ट, ऑटिज्म, इट्स अ जेनेटिक डिजीज, जिसमें बच्चों में सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते। विटामिन डी कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशंस को, डीएनए को रिपेयर करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद देता है। सेकंड, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, विटामिन डी कैंप बीटा डिफेंस और टी सेल्स को रेगुलेट करके बच्चों में इनेट इम्यूनिटी को डेवलप करता है। थर्ड, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के शिकार बच्चों में एंटीलेप्टिक मेडिकेशंस लेने की वजह से विटामिन डी इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन डी का देना ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इट्स अ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें लंग्स के गिर्ड स्टिकी म्यूकस डेवलप हो जाता है, जिसके बाहिस फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते। फिफ्थ, रिकेट्स, हड्डियों का टेढ़ापन, इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल अनबैलेंस होता है, लेकिन वाइटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करने में मदद देता है। गाइडलाइंस के मुताबिक विटामिन डी की डेली रिकमेंडेड डोज क्या है और बच्चों में कितनी दी जाती है? फ्रॉम 0 to 12 मंथ्स 400 IU, 1 to 13 ईयर्स 600 IU। बच्चों में विटामिन डी की क्या डोज है और हम कितना कितना दे सकते हैं? फर्स्ट, इन्फेंट रिसीविंग विटामिन डी इनरिच्ड मिल्क, उसमें हम आधा एम्प्यूल देंगे इन ड्रॉप डी का हर 6 महीने बाद। सेकेंड, नर्स्ड इन्फेंट, इसमें हम 1 एम्प्यूल देंगे इन ड्रॉप डी का हर 6 महीने बाद। थर्ड, ब्रेस्ट फीड इन्फेंट, इसमें हम 1 ड्रॉप देंगे ड्रॉप डी ड्रॉप को, जिसमें 400 IU है विटामिन डी 3। फोर्थ, चिल्ड्रन, जिसमें हम एस टी एंड ड्रॉप डी 5000 देंगे वंस अ डे डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन।